दोस्तों हमारे आसपास कई तरह के लोग होते हैं। कुछ अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, जबकि कुछ लोग इशारों इशारों में बहुत कुछ कह जाते हैं। हमारे दिमाग में चलता बहुत कुछ है, लेकिन हम अपनी हर बात को शब्दों में बयां नहीं कर पाते। साथ ही कभी कभी हमारी बॉडी लैंग्वेज काफी कुछ बयां कर देती है। जी हाँ दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज यानी हाव भाव एक तरह की शारीरिक भाषा है, जिसमें शब्द तो नहीं होते, लेकिन बिना कुछ कहे हम अपनी बात कह जाते हैं। बॉडी लैंग्वेज एक तरह से इंसान के व्यक्तित्व का आईना होती है। जैसे किताब के हर पन्ने में अलग अलग बातें होती हैं, उसी तरह हाव भाव के पीछे भी अलग अलग अर्थ छिपे होते हैं। और दोस्तों आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कम्युनिकेशन में 35% रोल ही लैंग्वेज का होता है, बाकी 65% रोल तो बॉडी लैंग्वेज का ही होता है। जी हाँ दोस्तों, लड़की आपसे प्यार करती या नहीं, आपको जॉब मिलेगी या नहीं, ये तमाम कुछ इस तरह की चीजें हैं जिन्हें आपको समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है। आप सामने वाले का चेहरा देखकर, उसकी स्टाइल देखकर, उसकी आंखों को देखकर ही सब जान सकते हैं। तो दोस्तों देरी किस बात की, शुरू करते हैं आज का हमारा ये नया एपिसोड जो कि बॉडी लैंग्वेज पे आधारित है। दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, अब बस अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों कहते हैं कि आंखें दिल का हाल बता देती हैं। यह बात भले ही शायराना लगे, लेकिन मनोविज्ञान की नजर से देखें तो वाकई आंखें दिल का हाल बता ही देती हैं। अब जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, उसकी झलक आपकी आंखें बयां कर देती हैं। यही वजह है कि आपकी आंखें बॉडी लैंग्वेज का अहम हिस्सा हैं, और इनके आधार पर आपके मन में क्या चल रहा है इसे समझा जा सकता है। दोस्तों आमतौर पर कोई व्यक्ति जब बातचीत के दौरान नजरें मिलाकर कहता या सुनता है, इसका मतलब यह है कि वो आपकी बात को ध्यान से सुन रहा है या गंभीरता से अपनी बात कह रहा है। करीब 70% मामलों में ये अंदाजा लगाया जा सकता है। कोई बात करते वक्त आपकी आंखें और माथे पर देखे तो इसका मतलब हो सकता है कि वो प्रोफेशनल बातचीत में रुचि ले रहा है। आंखों और चेहरे पर देखने वाले लोग आपसे सामाजिक होकर बातचीत करने में अधिक रुचि लेते हैं, जबकि व्यक्तिगत संबंधों में अक्सर लोग आंखों में कम झांकते हैं बल्कि शरीर या आसपास के माहौल की ओर अधिक देखते हैं। बातचीत के दौरान कोई देर तक नीचे देखता है तो हो सकता है कि वो आपके सवाल का जवाब देने में रुचि नहीं ले रहा है, और जब वो ऊपर देखता है तो हो सकता है कि आपका जवाब वो बहुत सोच समझ कर देना चाहता हो। साथ ही नीचे झुकी भौं के साथ बात करने वाले लोग आमतौर पर शकी किस्म के होते हैं और हर बात की जड़ में जाना चाहते हैं। पलकें झपकाना। दोस्तों बहुत अधिक पलक झपकाना किसी की आदत हो सकती है। सामान्य स्थिति में लोग बातचीत के दौरान अधिक पलकें तब झपकाते हैं जब वो बातचीत के दौरान किसी और विषय पर सोच रहे होते हैं। अनजाने व्यक्ति की नजरें। कोई अनजान व्यक्ति आपको छिपकर देखे और आपके देखने पर वो नजरें चुरा ले तो वो आप में रुचि ले सकता है। अगर आप किसी काम में व्यस्त हैं और पास में बैठे व्यक्ति की नजर आप पर या आपके काम पर है तो हो सकता है कि वो सिर्फ ये जानना चाहता हो कि आप क्या कर रहे हैं। वहीं अगर कोई व्यक्ति आपको लगातार देखता रहे, आप उसे नजरअंदाज करें फिर भी देखता रहे, तो उसके इरादे आपके लिए गलत भी हो सकते हैं। कई बार ग्रुप में कोई व्यक्ति आपको लगातार घूरे और फिर अपने दोस्त की ओर इशारा करे तो तुरंत उस जगह से दूरी बना लें। फ्लर्टिंग भरी नजर। कोई आप में रुचि ले रहा है ये अलग बात है, लेकिन कोई आपसे सिर्फ फ्लर्ट करना चाहता है तो वो आपसे आई कॉन्टैक्ट बनाएगा और आपके देखने के बाद भी नजरें नहीं हटाएगा। वो इस माध्यम से आपको ये बताना चाहता है कि वो आप में रुचि रखता है। यकीन मानिए आपकी नजरें आपके दिल का आईना होती हैं, इसलिए मन में क्या चल रहा है उसे नजरों से पढ़ना मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे आई कॉन्टैक्ट से आप किसी इंसान के बारे में कितना कुछ जान सकते हैं। दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारे इस वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि हम फ्यूचर में भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। दोस्तों अब बात करते हैं हाथ मिलाने के तरीके को लेकर। नए या पुराने लोगों से मिलते समय हाथ मिलाकर उनका स्वागत करने की परंपरा है। हालांकि ये परंपरा भी पाश्चात्य देशों की देन है, लेकिन आजकल बहुत कॉमन हो चुकी है। अब तो हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि बिना हाथ मिलाए वार्तालाप का सिलसिला तक शुरू नहीं होता। खैर ये सब तो सही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके हाथ मिलाने का तरीका भी आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। आप अन्य लोगों को कितना सम्मान देते हैं या आपके भीतर आत्मविश्वास किस हद तक है, ये सब एक बार आपके हाथ मिलाते ही पता चल जाता है। इतना ही नहीं, सामने वाले व्यक्ति को लेकर आपकी मानसिकता क्या है ये भी आपके हाथ मिलाने से जाहिर हो जाते हैं। अब जैसे कि बहुत देर तक हाथ पकड़ कर रखना। ऐसे लोग जो बहुत देर तक हाथ पकड़ के रखते हैं वो या तो बिल्कुल खाली होते हैं या दूसरे व्यक्ति पर अपने अधिकार का दावा करते हैं। ऐसे लोग विश्वसनीय नहीं कहे जा सकते, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन लोगों के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है जिसे ये जाहिर नहीं करना चाहते। हाथ को दबा देने वाला हैंडशेक। इसे आप सामने वाले का गुस्सा भी कह सकते हैं और उसका लापरवाह स्वभाव भी, क्योंकि वो बहुत तेज आपके हाथ को दबा देता है। वैसे ये हरकत सामने वाले व्यक्ति के भीतर अत्यधिक आत्मविश्वास को भी दर्शाता है, लेकिन आप ऐसे इंसान पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। मजबूती से हाथ मिलाना। ऐसे लोग जो सामने वाले व्यक्ति के साथ मजबूती से हाथ मिलाते हैं वे उन्हें अपने समान देखते हैं। वे सामने वाले व्यक्ति को पर्याप्त सम्मान देते हैं और आप उन पर विश्वास कर सकते हैं।
नए लोग ईमानदार होने के साथ साथ आपकी गरिमा का भी ध्यान रखते हैं। दोनों हाथ मिलाएं। ऐसे लोग जो सामने वाले व्यक्ति से हाथ मिलाते समय अपने दोनों हाथों का प्रयोग करते हैं, वो खुद को दूसरों की नजरों में विश्वास पात्र साबित करना चाहते हैं। राजनीतिज्ञों का ये फेवरेट हैंडशेक है, क्योंकि इससे ये जाहिर होता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे कॉमन सी हाथ मिलाने वाली दिनचर्या से किसी इंसान के बारे में कितना कुछ पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारे इस वीडियो में मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए, ताकि हम फ्यूचर में भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं कैसे आप बॉडी लैंग्वेज से पता लगा सकते हैं कि कोई लड़का या लड़की आपसे सच्चा प्यार करता है या नहीं। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे सामने वाले इंसान से बातचीत के दौरान उसके पैर किस डायरेक्शन में है, उससे ये पता चलता है कि वो आप में इंटरेस्टेड है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये एकदम सच्चाई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर कोई भी इंसान आपसे बात कर रहा है और उसके पैर का डायरेक्शन आपकी ओर नहीं है, तो समझ जाइए कि वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये साइंटिफिकली 100% प्रूवन भी है। दोस्तों, क्या आपको पता है जब आप किसी से बात करते हैं उस समय आपका हाथ किस डायरेक्शन में है, इससे भी बहुत कुछ पता चलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी से बात करते वक्त अपने हाथों को पीछे रखते हैं, तो उससे ये पता चलता है कि आप में आत्मविश्वास की बहुत कमी है। साथ ही दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि अगर किसी भी इंसान से बात करते वक्त आप अपने हाथों को कमर पे रखते हैं, तो उसका मतलब होता है कि आप अपने आप को ज्यादा ताकतवर समझते हैं और सामने वाले इंसान पे हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, शरीर की अलग अलग अवस्थाएं इंसान के चरित्र और व्यक्तित्व की विशेषता होती हैं। सीधा और संतुलित अवस्था में बैठना बताता है कि आप काफी खुश और सैटिस्फाइड हैं। इसी तरह आप बैठने के दौरान आगे की तरफ झुककर बैठते हैं, तो पता चलता है कि आप काफी फ्रेंडली इंसान हैं। और अगर कोई इंसान सिर उठाते वक्त मुस्कुराता है, तो वो स्वभाव से चंचल मन का हो सकता है। दोस्तों, टेबल पे बैठे बैठे उसे उंगलियों से पीटना या बजाना हम सभी में काफी कॉमन होता है, और हम में से अधिकतर लोगों की ये आदत होती है। लेकिन दोस्तों, आपकी टेबल पीटने की आदत काफी कुछ बयां करती है। दोस्तों, जब भी आप टेबल पे लगातार अपनी उंगलियां पीट रहे होते हैं, तो उस समय कहा जाता है कि दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो ये कि आप में बहुत एनर्जी है और आप उसे निकालना चाहते हैं, और दूसरी ये कि आप किसी चीज को लेकर बहुत नर्वस हैं और मन ही मन काफी दुखी भी। दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कई मरतबा आपका ये टेबल पीटना नेगेटिव सिग्नल भी देता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि किसी भी जॉब इंटरव्यू में आप इस तरह टेबल कभी मत पीटिएगा, जनरली ये बुरा सिग्नल देता है। ऐसा करने से लगता है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है और सामने वाले को भी ये बहुत ऑकवर्ड लग सकता है। साथ ही दोस्तों, एक और बात जो टेबल पीटने को लेकर जुड़ी है, वो ये कि अगर कोई लड़की आपसे बात करते वक्त टेबल पीटा करती है, तो समझ जाइए उसका आप में इंटरेस्ट नहीं है, वो आपकी बातों पे ध्यान नहीं दे रही है। फिर अच्छा यही होगा कि आप वहां से जितना जल्दी हो सके निकल लें। चलिए थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। अगर कोई लड़की अपने पैरों को फोल्ड करके बैठी है, यानी कि उसका एक पैर दूसरे पैर के ऊपर है, और साथ ही पैरों के टोज यानी कि अंगूठे आपकी तरफ हैं, तो समझ जाइए कि वो लड़की आप में इंटरेस्टेड है। जी हाँ दोस्तों, ये साइन होता है जिससे आप लड़की के मन की बात का पता लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, ये बात भी उतनी ही सच है कि कोई लड़की अपने पैरों को फोल्ड करके बैठी है और उसके टोज का डायरेक्शन आपके ऑपोजिट है, तो फिर ये समझ जाना चाहिए कि उसका आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन शॉर्ट, वो आपसे बात तक नहीं करना चाहते। दोस्तों, वैसे तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि लड़कियों को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव और नजरों से बहुत कुछ जाना जा सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं गले लगाने के तरीकों को लेकर, जिससे भी आप पता लगा सकते हैं कि कोई इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई लड़की आपको पीछे से आकर हग करती है, तो समझ जाइए कि वो आपसे सच्चा प्यार करती है। इसका मतलब होता है कि वो आपके प्यार में पागल है और आपके बिना नहीं रह सकते। साथ ही अगर कोई लड़का किसी लड़की को पीछे से बार बार हग करता है, तो इसका साफ मतलब है कि वो उसके काफी क्लोज आना चाह रहा है। वैसे दोस्तों, अगर आप किसी को भी गले लगाना चाह रहे हैं और खासतौर पर किसी लड़की को, तो पहले कंडीशंस की थोड़ी जांच कर लीजिएगा, वरना पता चलेगी कहीं आप पे केस फाइल हो गया। काफी सख्त कानून है आजकल इन सब चीजों को लेकर, और भाई आप जैसे भाइयों को अवेयर करना फर्ज है हमारा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बताया कि कैसे आप बॉडी लैंग्वेज के जरिए किसी इंसान के मन में चल रही बातों का पता लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ जानने या सीखने को मिला हो, तो एक लाइक करके इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस में रुचि रखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।